जोश ना ठंडा होन दईए, पहला आपां नारे लावांगे कुछ क साथ दिओ, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, मोदी सरकार मोदी सरकार, काले कानून। दोस्तों ये जरनैली सड़क है, यह दिल्ली नू जांदी है, इतों बहुत संगत आपां नू देख के लंघदी आ। अपने च इन्ना क जोश होना चाहिए जिवें अपने 100 मीटर स्पीड लाउणी हुंदी है, एक्टिव होके बैठे हुंदे आ, पहले तो आप इन्ने का एक्टिव होके बैठीए ता जो आने जाने वाले अपनियां गल्लां दिल्ली तक करन। बोता सिंह उन्होंने टोल ला लिया, जेड़ा आउंदा जांदा सीगा उन्हां तो कुछ आने पैसे लेंदे सीगे, वो इस करके सी भी असी दसीए सरकार नूं भी अजे सिख खत्म नहीं होए। आ यार मैक ठीक करो वीर, बेनती है। दोस्तों अपने हिंदुस्तान के इतिहास के विच एक मुहम्मद शाह रंगीला बादशाह होया, ना तो वह मुहम्मद शाह सी, 17वीं सदी की गल है। उसनू रंगीला क्यों कहा जाता सी, क्योंकि उस दियां आदतां इहो जिहियां सी जिहे दियां हुण दे प्रधानमंत्री दे नरेंद्र मोदी दियां ने। जदों मुहम्मद शाह रंगीला इस हिंदुस्तान दा बादशाह होया, उहने सब तो पहली गल जिहड़ी करी उह सी कि देश दी करंसी बदल दी, जिहड़ा कम नरेंद्र मोदी ने अनुसार करिया, इहने भी अनुसार देश दी करंसी सी जिहड़ी उह बदल दी। उस तो बाद उसनू भी घूमन फिरन का बहुत ज्यादा शौक सी, जिवें मोदी नू है, उदों हवाई जहाज तां हुंदे नहीं सी, उहने आपणी राजधानी नू बदल दी सी, उस तरह का नरेंद्र मोदी है। हुण दोस्तों गल करदे आ आपां कीर्तियां दी, इह कीर्तियां ने जदों देश ते वक्त पिया समें समें ते आपदियां कईआं आपदियां दातियां नू परां छड्ड के सुट के देश के हित लई कदे तां मोर्चे लाए ने, कदे शहीदियां दित्तियां ने, कदे मुगलां तों आजाद करवाया हिंदुस्तान। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जिवें पिछले बुलारे बोल के गए ने, सानू इस धरती का मालक बनाया, साडा राज आया महाराजा रणजीत सिंह दा, 50 वर राज करिया। वो 50 वर राज की गल तुसी हुण भी दुनिया के किसी खिते चो सुन सकते हो, वह 50 वर्ष राज की गल हुण भी चलती है, क्योंकि उदो इंसाफ हुंदा सी, उदो हरेक की गल सुनी जांदी सी, पर हुण की हो रहा है वह तुहाडे सामने है। साडा सिख राज आया तो साडे चो ही कुछ गदारा ने, ध्यान सिंह डोगरे, लाल सिंह तेजा सिंह वर्गे ने गदारियां करके साडा सिखां दा राज अंग्रेजों के हाथों पहुंचाता। उस तो बाद लंबे घोल चले, कीर्ति फिर अगे आए, इतने हिंदुस्तान के बरतानिया का अंग्रेजों का राज होया, उन्हें का राज गलो लाने लई साडे नौजवानों ने जेलां कट्टियां, फांसियों के बंदे फांसियों के फंदियों के चढ़े, तोपां दे सामने खड़े होके उड़ाए गए। 1947 दे विच देश आजाद होया, अंग्रेज जाते जाते सानू एक इन्हां जाते जाते नहरूरिया नू एक गल कह गए भी जो तुसीं हिंदुस्तान ते राज करना है पहला सानू सिख काबू करने पैणगे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जिहड़ी पॉलिसी सी बंडो ते राज करो दी, उह नहरूरिया दे कन्नी गल पा गए। साडा हसदा वसदा पंजाब जिवें कि पहला बुलारा दस के गया है भी सारे दुनिया भर के अमीर खिते चो इक सी, इन्होंने साडा पंजाब वंडदा। गुजरात के व्यापारी
उन्होंने भी इन्हां किरतियां दा इन्हां शहीदां दा कोई मुल ना पाया, इन्हां तो हमेशा इन्हां दा नां लैके वोटां बटोरदे आए, वोटां लैंदे आए। दोस्तों उरे एक भाई साहब गल करके गए सीगे काले दौर दी, मैं दसना चाहुंना जदों आनंदपुर दा मता पिया उस दे विच भी साडियां इही मंगां सी जो अज तो 40 साल पहला सी। 40 साल पहला भी असीं इह मंग रखी सी वी असीं आपदे फसल है जिहड़ी उस दा भाव असीं आप तय करिए, ते साडी अज भी उही मंग है। ना सरकार ने साडी उदों सुनी सी, ना सरकार ने साडी हुण सुनी है। पर मैं एक प्रबंधकों नूं कहना चाहुंना जिहड़ा मोर्चा लाया है इहदा फैसला होना चाहीदा है। प्रधान साहब जी पिछे खड़े ने, होर बुलारियां ने भी बोलना है। पहला तो पहला भी किन्ने मोर्चे लगे ने, बरगाड़ी का मोर्चा मैं आप विच सी, मैं गया उत्थे, बहुत बड़े बड़े इकट्ठ होए, लखां की तादाद विच लोग गए, पर उसका हल की निकलिया अज तक नहीं सानू पता लग्या। उस तो पहला भी एक बार इन्होंने दुध बंद कराता सीगा भी भा वधावे, 10 दिन की हड़ताल रखी, चौथे दिन इन्होंने वो फैसला ले लिया भी ये जिहड़ा एजिटेशन सी असीं वापस लैंदे आ। पर अज तक ना साडे फसलों के भा वधे ने, ना साडे दुध के वधे ने, सानू नहीं पता भी वो की कि गल जिहड़ा एजिटेशन सी वापस ले लिया। जिहड़ा ये मोर्चा है ये साड़ी आने वाले समय के साड़ी होद नाल जुड़िया होया है। जे कि फैसला भी ऐसे तरह जिमें पहला फैसले लै गए इन भी नए में होया लोगों को विश्वास नहीं रहना इन लीडर से। हुण समय जेड़े लोग प्रधान कहाउंदे ने जेड़े होंदे भी ने सी प्रधान कहिंदे इज्जत करदे आ सरोपे पाउणे आ उहनां नूं, पर उहनां दा काम सरोपे लैण तक ਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਏਡੇ ਏਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖਾਸੀ ਲਾਪਾ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 200 ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ 50 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਹੋਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਵੇੜੇ ਲੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਭਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਿਫਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਕੋਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਡੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਮੂਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੰਨੀ ਇਸ ਲੋਕ ਚੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੋਲਫ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲਫ ਖੇਡਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੇਂਦ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਗੋਲਫ ਦਾ ਸ਼ੋਟ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੇਂਦ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ
हक विच हरियाणे दे विच जा चुकी है। जदों आप जे आप टिके बह गए कालू राम नाल अगला पानी भी आपके खिते च लेके जाऊगा, फिर की करांगे, साडे कोले पिछे की रहजूगा, यह सोचण दी गल है। गल ये नहीं हुंदी उरे मोर्चा लग्या, मैं जिन्ने दिन ने मोर्चे लगे ने सिर्फ एक दो दिन छड्ड के सारे मोर्चों दे हाजिरी लवाउंदा रहा, सारे किते जाना जिहड़ा तुहाडे लवे मोर्चा उत्थे जाओ हाजिरी लवाओ। ये नहीं जरूरी हुंदा भी असीं उत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, सारे किसानां पिछे ही फिरदे ने, पर गल यकीन ते आके टिकदी है। दोस्तों मैं बेनती करना चाहुंदा ते हुण मैं इस तों बाद फतेह बुलाउणे ने, दो नारे लाउणे ने। वो बेनती ये है भी इत्थे इहनां सोचा करो भी अज संगरूर वाले दा धरना तां संगरूर वाली आओ, जिन्ने क मेरे वीर घरे वेले बैठे ने नेड़े दे पिंडां दे ने, हुण किते इन्ने के किसान खेती करदे ने, कल्ले किसानां दे सिर ते किसान ही खड़े ने, महाजन भी खड़े ने, महाजन भी खड़े ने, दूजी लेबर क्लास भी खड़ी है, पर जिहड़े वेले ने उहनां नूं उरे आउणा चाहीदा। हर परिवार चों इक बंदा तां तुसीं दे ही सकदे हो, इक बीबी नूं दे भेज सकदे हो, पर अफसोस है जदों इन्ने क आपदे जिहड़े सीमित इकट्ठ जे देखदे आ, इन्ना कहिंदा होया फतेह दी सांझ पाउणिया, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। हुण दो नारे लावांगे, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, साडे हक साडे हक, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, काले कानून काले कानून। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह।